नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और आप सभी देशवासियों को इंडिया वॉइस परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त ये वो दिन है जिस दिन का इंतजार देश का हर एक व्यक्ति करता है, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। फिलहाल देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए हैं और इस बार देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस वक्त हर कोई आजादी के जश्न में डूबा है। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। देश के कोने कोने में इस वक्त झंडा शान से लहरा रहा है। स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने की। और इसी के साथ ही जगह जगह पर तिरंगा रैली भी निकाली जा रही है, जिसका नजारा देखने लायक है। 15 अगस्त को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। जहां हर घर तिरंगा नजर आ रहा है, वहीं सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा है। स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का पल है। इस बीच जहां भारत का हर नागरिक इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह में डूबा है, वहीं इस बार ये दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बेहद खास होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम इस बार एक खास उपलब्धि भी जुड़ने जा रही है। वो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार 11वीं बार, जी हां 11वीं बार पीएम मोदी आज स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा फहराएंगे। झंडा फहराने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से आगे निकल जाएंगे। बता दें कि मनमोहन सिंह के नाम लाल किले से 10 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड है। आपको बता दें, इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष लाल किले पर समारोह देखने के लिए लगभग 6000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है। ये जश्न एक तरह से भारत सरकार के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिहाज से नई ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा। केंद्र सरकार ने देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर लक्ष्य तय कर रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी 100वां साल पूरे हो रहे होंगे, तो उसका वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। और देश विकासशील नहीं बल्कि दुनिया के विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा होगा। माना जा रहा है कि लाल किले से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले की ही तरह कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि अपने पहले के संबोधनों में पीएम मोदी देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभिन्न मुद्दों पर बड़े ऐलान पहले भी कर चुके हैं। अनुमान है कि पीएम इस बार अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान देश के युवाओं और आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3000 से अधिक यातायात पुलिस, 10000 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ। एआई आधारित चेहरे पहचानने वाले 700 कैमरे दिल्ली की रक्षा को मजबूती दे रहे हैं। वहीं राजधानी के अति संवेदनशील इलाकों में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहां से गुजरने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बल राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। वहीं 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर
बुधवार 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को 20 मिनट संबोधित किया। उन्होंने कहा, आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारे परिवार हैं। आजादी का ये पर्व हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब देश के कई लोगों ने बलिदान दिया। हमारी स्वाधीनता सेनानियों ने हमें नई अभिव्यक्ति प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले से। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और हर बार ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें सीताराम भज प्यारे तू सीताराम reverence and gratitude, to find the path, to lead with foresight, to keep the faith and walk in spite, to hold your ground when no hope is. तो कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। गांधी जी को नमन कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अब थोड़ी ही देर में वो लाल किले की ओर रवाना होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से गांधी जी के समाधि स्थल वो पहुंचे, उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये इस बार सबसे खास होने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि आपको बता दें लगातार 11वीं बार प्रधानमंत्री मोदी आज लाल किले से झंडा फहराएंगे। आपको बता दें कि पिछले 10 बार में उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी पगड़ी को लेकर काफी चर्चा में रहे, वहीं इस बार भी उनका ये लुक देखने के लिए लोग आनंदित होंगे। और आपको बता दें कि पूरे देश भर में जो आजादी का जश्न है उसे लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां लाल किले पर, लाल किला सज धज कर पूरी तरह से तैयार। और 1947 वो दिन था, 15 अगस्त 1947 जब पहली बार लाल किले में तिरंगा झंडा फहराया था। तस्वीरें आप लाल किले से देख सकते हैं किस तरह से अनोखी छटा एक बार फिर से देश भर में तिरंगामयी माहौल। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास, नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा यानी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भावना का मूर्त रूप लेना, देश को वर्ष 2047 तक पूर्व विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो आपको बता दें कि आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। इस बार सबसे लोगों के मन में जो जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि आखिर इस बार पीएम मोदी लाल किले से क्या कुछ खास ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि हर बार 2014 से लेकर 2024 तक के बीच में जितने बार भी पीएम मोदी लाल किला से झंडा फहराया उन्होंने लोगों के लिए कुछ खास ऐलान किया। अगर बात करें पहली बार की, तो पहली बार में उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड बड़े ऐलान किए थे, वहीं इस बार ये देखना खास होगा कि आखिर किस सेक्टर के लिए पीएम मोदी लोगों के लिए कुछ खास ऐलान करने वाले हैं। बिल्कुल, देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से आज पूरी तरह से तिरंगामय माहौल है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रज्ञा, खास बात यह भी कि अब की बार जिस तरह से लाल किले में, जैसा आपने भी कहा कि हर बार कुछ बड़ा ऐलान होता है, हर बार कुछ नया ऐलान होता है, और क्योंकि ये 11वीं बार होने वाला है जिसके साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
क्योंकि इससे पहले मनमोहन सिंह इकलौते थे जिन्होंने 10 बार लगातार लाल किला से झंडा फहराया था। उसके बाद पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो 11वीं बार तिरंगा फहराने वाले हैं, लगातार पीएम होंगे। 3.0 जो पीएम मोदी का समय है, ये चीज बिल्कुल अलग होने वाला है इस बार। और सबसे बड़ी खास बात रिया ये है कि इस बार विकसित भारत जो है ये थीम है भारत का, क्योंकि विकसित भारत @2047 बिल्कुल ये थीम अब की बार दी गई है स्वतंत्रता दिवस की। और देश आज जिस तरह से अपनी आजादी का अमृत महोत्सव 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे, तस्वीरें आपको देश भर से दिखा रहे किस तरह से लोग जो है तिरंगा झंडा लेकर जगह जगह जा रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, तो पूरी तरह से तिरंगामयी माहौल। बिल्कुल बिल्कुल रिया, एक बात तो इस बार ये भी खास देखने को मिलेगा कि 18,000 जो मेहमान हैं उनको बुलाया गया है, वो बेहद आकर्षण का कारण होंगे। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी की चार जातियों का मोदी ने बात किया था उनमें से है महिला, युवा वर्ग और पिछड़े और गरीब वर्ग। इन चार सेक्टर के लोगों को बुलाया गया है, इन चार जातियों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि 6,000 जो मेहमान होंगे वो इसी जाति से होंगे, जैसे कि महिला, युवा और पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्ग। बिल्कुल, अब की बार क्योंकि 15 अगस्त ये वो दिन जिस दिन का इंतजार हर किसी को था, हर व्यक्ति को था, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। फिलहाल देश को आजाद हुए आज 78वां वर्ष हम बना रहे हैं। इस बार देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस वक्त हर कोई आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में इस बार हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं देश के कोने कोने में इस वक्त झंडा शान से लहरा रहा है। आपको बता दें स्कूल, कॉलेज, हर जगह स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों का सिलसिला भी जारी है, जहां हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इस स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम है, जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ये लाल किले से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, करीब 6,000 से ज्यादा विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें हर तबके के लोग शामिल हैं। जो इंडियन ओलंपिक्स टीम जो पेरिस के लिए रवाना हुई थी, पेरिस गई थी, उस टीम को विशेषकर यहां पर आमंत्रित किया गया है। और लाल किले की आज अनोखी छटा हम सभी देख सकते हैं, प्रज्ञा, किस तरह से सजाया गया है, तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। और सभी मेहमान पहुंच गए, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। स्कूल के बच्चे हो, महिलाएं हो, अलग अलग राज्यों से जिस तरह से हर साल लोगों को बुलाया जाता है, चाहे वो श्रमकर्मी हो या फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हो, हर किसी की आज लाल किले में मौजूदगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जा सकता है कि किस तरह से लाल किले को बिल्कुल सजाया गया है झंडे के रंग में। तीन कलर है हमारा, केसरिया, सफेद और हरा रंग। इस पूरे रंग को पूरी तरह से यूज किया गया है लाल किले को सजाने में। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना बेहद खूबसूरत ये तस्वीर दिख रहा है। तो आज का वो दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का जिनकी बदौलत हम यहां तक पहुंचे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रियों को आप देख सकते हैं, प्रहलाद जोशी हो, चाहे मनोहर लाल हो, सीतारमण हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम लोगों की यहां पर मौजूदगी। और ये गृह मंत्री अमित शाह आपकी टीवी स्क्रीन पर अपनी धर्मपत्नी के साथ, तो सभी मेहमानों की मौजूदगी अब बस इंतजार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी, और यहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी, साथ में इंडियन ओलंपिक टीम को जैसे आमंत्रित किया गया था वो भी मौजूद है। बिल्कुल, आप जेपी नड्डा को भी देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। जितने भी बड़े मंत्री हैं सब फिलहाल अभी मौजूद हैं, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करेंगे, झंडा फहराएंगे। तो सभी को इंतजार है कि इस बार पीएम मोदी क्या कुछ खास ऐलान करने वाले हैं। बिल्कुल, इससे पिछली बार जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि 2024 का स्वतंत्रता दिवस मैं इसी लाल किले से भाषण दूंगा, और वही हुआ। और बिल्कुल आज उस पल के साक्षी हम सभी बनेंगे। बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि किस तरह से लाल किले को सजाया गया है। और पीएम मोदी ने, जैसा रिया ने कहा कि पीएम मोदी ने ये वादा किया था कि 2024 में हम लाल किले से झंडा फहराएंगे, तो उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं।
यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स उनकी मौजूदगी, जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद लाल किले की प्राचीर पर वो तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो आज का ये वही दिन जब सभी शहीदों को याद करने का मौका, जिनकी बदौलत, जिनके बलिदान, जिनके संघर्ष से, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। बस अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले पे पहुंचने वाले हैं, उनका काफिला आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय पर्व का ये गर्व महसूस कराने वाला पल है। तो आज सभी देशवासियों के मन में इस वक्त देशभक्ति का भाव, हर कोई काफी ज्यादा भावुक, और ये गार्ड ऑफ ऑनर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे, उनका जो पूरा काफिला है वो लाल किले पर पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी अब बस थोड़ी ही देर में ध्वजारोहण करेंगे, लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो आज जश्न आजादी ये मौका है सभी शहीदों को नमन करने का, सभी शहीदों को याद करने का, और वो संघर्ष याद करने का जिसने हमें आज यहां तक पहुंचाया कि भारत आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अपनी आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बिल्कुल रिया, जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, हर कोई आजादी का जश्न मना रहा है और सभी को इंतजार है कि अब पीएम मोदी फ्लैग होस्टिंग करेंगे, झंडा फहराएंगे। तो ये पल बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि हम देश की आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। और जैसा आपने भी कहा था प्रज्ञा, की हर बार काफी चर्चा का विषय होता है कि कौन सा रंग का साफा पीएम मोदी पहनते हैं। बिल्कुल, उनके लुक का ये सबसे अनोखा पल होता है कि सभी को इंतजार रहता है जब पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में बस अपने काफिले के साथ जो है, क्योंकि वो पहुंच गए हैं, इसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर, और उसके बाद लाल किले के प्राचीर पर ये 78वीं बार होगा जब तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। आप देख सकते हैं पीएम मोदी को निकलते हुए, उनका साफा दिख रहा है, उनका जो पगड़ी है वो आप देख सकते हैं कि तीन रंग में केसरिया रंग वाला ही साफा उन्होंने पहन रखा है। तो इस बार पीएम मोदी का लुक भी सभी को आकर्षित करने वाला है। उनको जिस तरह से परंपरा के अनुसार स्पीकर, उनको यहाँ पर राजनाथ सिंह मौजूद हैं, गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तीनों सेना के प्रमुख उनके साथ मौजूद हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा। ये गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, इससे पहले वो तीनों सेना के Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. प्रधानमंत्री को सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं।
the inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate, as it is used in common parlance. The flag hoisting. तो गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर होते हुए, उसके बाद झंडारोहण और फिर देश को 11वीं बार लाल किले से संबोधित करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर एक बढ़ता कदम इस वक्त भारत के आगे बढ़ते कदमों को दर्शा रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लाल किले की प्राचीर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार पीएम मोदी आज तिरंगा झंडा फहराएंगे और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड बना देंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने वाले तीसरे प्रधानमंत्री आज बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर एक बढ़ता कदम लाल किले की ओर, प्राचीर की ओर, ये दर्शा रहा है भारत के बढ़ते कदम को। जिस तरह से हमारे तिरंगे झंडे में अशोका चक्र लगाया गया था और भारत अमर रहे और आगे बढ़ते रहे, उसी को आज दर्शाते हुए आप देख सकते हैं पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ ही देर में झंडा फहराएंगे। बिल्कुल, जैसा कि रिया ने कहा कि हर एक कदम जो है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है, वैसे ही पीएम मोदी आज झंडारोहण करने वाले हैं। बस कुछ ही देर में वो झंडारोहण करेंगे। विशिष्ट मेहमानों की मौजूदगी यहाँ पर, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप, लोगों को आमंत्रित किया गया था सबकी मौजूदगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना के प्रमुख। बिल्कुल रिया, और ये अब देखना खास होगा कि इस बार पीएम मोदी क्या कुछ ऐलान करने वाले, कुछ ही देर में वो झंडारोहण करेंगे, उसके बाद वो देश को संबोधित करेंगे, तो देखना ये खास होगा। और ये पल जिसका सभी को इंतजार है, क्योंकि आज वो दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था, लाल किले की प्राचीर की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विशेष मेहमानों की मौजूदगी। जम्मू कश्मीर के गवर्नर को आप देख सकते हैं, चिराग पासवान की मौजूदगी, किरण रिजिजू, बड़े बड़े जो भी दिग्गज हैं सबकी आज मौजूदगी, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, सभी खास मेहमान। और आज वो दिन जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमारी आन बान और शान, हमारा तिरंगा आज लाल किले पर फिर से लहराएगा। हल्की सी हालांकि प्रज्ञा बारिश भी होने लगी, बिल्कुल, है बिल्कुल वही तस्वीरों के माध्यम से हम और देख कई बार ऐसा होता है कि 15 अगस्त को बारिश होती है और वही तस्वीरें। हालांकि अब की बार जो थीम दिया गया है विकसित भारत @2047, बिल्कुल वही जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से किया था कि 2047 तक भारत को सिर्फ एक विकासशील नहीं बल्कि विकासशील से तब्दील करते हुए विकसित राष्ट्र बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल रिया, जिस तरह से पीएम मोदी ने अपना वादा किया था कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है, तो यही ऐलान हो सकता है पीएम मोदी आज कर सकते हैं। वो लोगों को अपनी जो आजादी का जश्न है उस दौरान ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितना बेहद आकर्षक माहौल है इस वक्त पूरे दिल्ली का। बिल्कुल, पूरी राजधानी दिल्ली इस वक्त तिरंगामय नजर आ रही है, जगह जगह तिरंगे झंडे। और जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, हर घर में एक तिरंगा झंडा आप देख सकते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह आज आजादी का जश्न, हमारा तिरंगा ऊंचा लहरा रहा है। तिरंगे के रंग में आज रंगा हुआ पूरा हिंदुस्तान नजर आ रहा है और
जो संकल्प लिया गया था भारत को विकसित बनाने का, उस संकल्प की ओर आगे बढ़ते हुए हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान। स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का पल। इस बीच जहां भारत का हर नागरिक इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह में डूबा हुआ है, वहीं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे। ये आर्य समाज मंदिर और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर बनी जामा मस्जिद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Absolutely. And national celebrations have this beautiful way of foregrounding really what we all have in common and eclipsing that which makes us different. And what better celebration than today is to unite the largest democracy in the world. And today, with much over a billion heads and hearts suffused in saffron, white and green colors, which have shed their individual identity to become one color, the color of nationhood. There is a special enclosure again this time for the general public. 5,000 seats have been put, and other than the VIP enclosures, in this enclosure, which is for the general public, you just need to show your identity card and you come in to the celebrations. Well, as we said, freedom has many forms of expression. देश आज आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए 15 अगस्त ये वो दिन जिस दिन का इंतजार हर किसी को था। एक व्यक्ति करता है क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन देश को और लाल किले की प्राचीर पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11वीं बार फ्लैग होइस्ट करेंगे, इंडिया का ये तिरंगा झंडा लहराएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें जिसका सभी को इंतजार था। और ये राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर नाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहां पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए
जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National flag guard, marching off, away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनकड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाडन लीडर सीएस श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है।
मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम, जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीय का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है, उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व, 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे, एक ही स्वर था, वंदे मातरम, एक ही सपना था भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है, वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है, अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन, अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं, हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी।
आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। साथियों, विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, पहाड़ों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग हैं, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने क्या लिखा, कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा। 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत की हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों को भी मजबूती देनी है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं से लेकर के अनेक इकाइयां हैं, उन सब में गवर्नेंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रति चिंता जाहिर की और यह भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रीनफील्ड सिटी बनाने की अब समय की मांग है। किसी ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभियान चलाने का सुझाव दिया। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। किसी ने कहा भारत की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारी औषधि है, दुनिया जब आप होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। साथियों, मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देशवासियों ने सुझाव दिए,
मेरे देश के सामान्य नागरिक ने ये सुझाव हमें दिए हैं। मैं समझता हूं जब देशवासियों की इतनी विशाल सोच हो, देशवासियों के इतने बड़े सपने हो, देशवासियों की बातों में जब संकल्प झलकते हो, तब हमारे भीतर एक नया संकल्प दृढ़ बन जाता है, हमारे मन में आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और साथियों, देशवासियों का यह भरोसा सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है, ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है। ये विश्वास लंबे कालखंड के परिश्रम की पैदावार है और इसलिए देश का सामान्य मानव याद करता है। जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है, तब भरोसा मजबूत हो जाता है। जब यह तय होता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी 2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, वो अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है, तब सामान्य मानवी का भरोसा बढ़ जाता है। जब द्वार किले से स्वच्छ भारत की बात कही जाए, तब इस देश के अग्रिम हरोर पंक्ति में बैठे हुए लोग हो, गांव के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हर परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संबंध में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे, मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। जब देश के सामने लाल किले से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में नल से जल मिलता है, आवश्यक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है, आज 15 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी बन चुके हैं। हमारे कौन लोग वंचित थे इन व्यवस्थाओं से, कौन पीछे रह गए थे, समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे, मेरे दलित, मेरे पीड़ित, मेरे शोषित, मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे। हमने अनेक ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंधुओं को मिला है, हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माहौल बना है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, उस दिशा में हर जिले सोचने लगे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का संकल्प लिया था, G20 समूह के देशों ने जितना किया है उससे ज्यादा भारत ने किया है, और भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्त पाने के लिए हमने काम किया है। साथियों, देश गर्व करता है आज जब फिनटेक की सफलता को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के संकट काल, विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश है जो कभी आतंकी आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे, जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। साथियों,
इन सारी बातों के लिए एक सुविचारित प्रयास हुआ है। रिफॉर्म की परंपरा को सामर्थ्य दिया गया है, नक्कर तरीकों के नक्कर लक्ष्य को लेकर के, और जब राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति हो, दृढ़ विश्वास हो, जब सरकारी मशीनरी उसको लागू करने के लिए समर्पण भाव से जुट जाती है, और जब देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम ये न भूलें कि देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है, जब होती है चलती है, अरे यार तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है आज नई पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो, आगे वाला आगे का जाने, हमें क्या करना है, हम अपना समय निकाल दें, अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए, पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था, जो है उसे गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो, ऐसा ही मन मर गया था। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था, हमें विश्वास से भरना था, और हमने इस दिशा में प्रयास किया। कई लोग तो कहते थे अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें, लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता था, वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई, और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो चार दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बदलाव, ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भाग गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम, ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। साथियों, जब रिफॉर्म की बात आती है, एक लंबा परिवेश है, अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाऊंगा तो शायद घंटों निकल जाएंगे, लेकिन मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बैंकिंग क्षेत्र में जो रिफॉर्म हुआ, आप सोचिए बैंकिंग क्षेत्र का क्या हाल था, न विकास होता था, न विस्तार होता था, न विश्वास बढ़ता था। इतना ही नहीं, जिस प्रकार की कारनामे चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे। हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक विध रिफॉर्म्स किए, और आज उसके कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुने मजबूत बैंक हैं उसमें भारतीय बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। और जब बैंक मजबूत होती है ना,
तो फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है। जब बैंक की व्यवस्था बन जाती है, जब सामान्य खास करके मध्यम वर्ग के परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है। अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको व्हीकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को कभी पढ़ने के लिए एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश जाने के लिए लोन चाहिए, ये सारी बातें उसे संभव होती है। मुझे तो खुशी है कि मेरे पशुपालक भी, मेरे मछली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है मेरे रेहड़ी पटरी वाले लाखों भाई बहन आज बैंक से साथ जुड़ करके अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हैं। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योग के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायक होती है, उसको रोजमर्रा पैसों की जरूरत होती है अपने नित्य मर्जी प्रगति के लिए, और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारण संभव हुआ है। साथियों, दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार के माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है, आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है, आज सरकार खुद नौजवान के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेक कदम उठा रही है। साथियों, बड़े रिफॉर्म के लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं। साथियों, देश में नई व्यवस्थाएं बन रही है, देश को आगे ले जाने के लिए अनेक वित्त नीतियों को, अनेक वित्त पॉलिसीज को निरंतर बनाया जाए और नए सिस्टम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। आज जो 20-25 साल का नौजवान है, जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उम्र का नौजवान था, उसने अपनी आंखों के सामने ये बदलाव देखा है। 10 साल के भीतर भीतर उसके सपनों को आकार मिला है, धार मिली है और उसके आत्मविश्वास में एक नई चेतना जगी है और वही देश का एक नया सामर्थ्य के रूप में उभरना है। आज विश्व भर में भारत की साख बढ़ी है, भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं, रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। संभावनाएं बढ़ती गई हैं, नए मौके बन रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है, मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता, मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है, वो छलांग मार करके नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए बेलना ले रहा है, वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में भी देखें ये गोलन ले रहा है, ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। हम सदियों की पीढ़ियों को तोड़ करके निकले हैं, आज टूरिज्म का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो,
ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आगे देख रखते हुए हम हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हर सेक्टर में आधुनिकता की जरूरत है, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारे क्षेत्रों में नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है। हमारे सारे अवरोध हटे, हमारी मंदी से दूर हो, हम पूरे सामर्थ्य के साथ चल पड़े, खिल उठे, सपनों को पा करके रहे, सिद्धि को हम अपने निकट देखें, हम आत्मसात करें, उस दिशा में हम चलना है। अब आप देखिए कितना बड़ा बदलाव रहा है। मैं एकदम जमीनी स्तर की बात करूं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, आज 10 साल में हमारे 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी है। 10 करोड़ नई बहनें, हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की गांव की 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। और जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है तब परिवार की निर्णय प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है, एक बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन की गारंटी लेकर के आती है। मुझे गर्व है इस बात पर, लेकिन साथ साथ मुझे गर्व इस बात का भी है कि हमारे सीईओ आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाक जमा रहे हैं। भारत के हमारे सीईओ विश्व भर में अपनी धाक जमा रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ मेरे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, भारत का नाम बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ मेरी सामान्य परिवार की माताएं बहने लखपति दीदी बनती है। मेरे लिए ये भी उतना ही गर्व की बात है। अब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए देने का निर्णय किया है। अब तो 9 लाख करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिले हैं और जिसकी मदद से वो अपने अनेकविध कामों को बढ़ावा रहे हैं। मेरे साथियों, मेरे नौजवान इस तरफ ध्यान दें, स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ, एक महत्वपूर्ण पहलू है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं, जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं, वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। आज प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, ये गर्व की बात है। आज मैं कह सकता हूं, जब नीति सही होती है, नियत सही होती है और पूर्ण समर्पण से राष्ट्र का कल्याण यही मंत्र होता है, तो निश्चित परिणाम हम प्राप्त करके रहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश में नए अवसर बने, तब मैं कह सकता हूं वो चीजें और हुई जिसने विकास को एक गति दी है, विकास को एक नई छलांग दी है, और ये है, पहला है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ सामान्य मानव के जीवन में जो बाधाएं हैं, ईज ऑफ लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है। पिछले एक दशक में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है,
रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, गवर्नमेंट कनेक्टिविटी हो, गांव गांव में स्कूल बनाने की बात हो, जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो, दूर सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो, आरोग्य मंदिर बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजों का काम हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण चलता हो, 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने हो, 2,00,000 पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो, नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा हो, 4 करोड़ पक्के घर बनना, गरीबों को एक नया आश्रय मिलना, 3 करोड़ नए घर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिश हो, हमारा पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट उसका इलाका आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाना लगा है, और हमने ये जो कायाकल्प किया है उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के उन वर्गों तक हम पहुंचे हैं जो ग्रामीण सड़कें वहां बनी है जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, जिस इलाकों को नहीं देखता था, जिन गांवों को नहीं देखता था, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाले हो, सीमावर्ती स्थान पर रहने वाले हो, हमें उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है, हमारे मछुआरे भाई बहनों की आवश्यकताओं को पूरा करना, हमारे पशुपालकों के जीवन को बदलना, एक प्रकार से सर्वांगीण विकास का प्रयास हमारी नीतियों में रहा, हमारी नीयत में रहा है, हमारे रिफॉर्म में रहा है, हमारे कार्यक्रमों में रहा है, हमारी कार्यशैली में रहा है, और उस सबसे सबसे बड़ा लाभ मेरे युवाओं को होता है, उनको नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए क्षेत्र में कदम रखने का उसके लिए संभावनाएं बन जाती है, और वही तो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है, और सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त करने का अवसर इन्हीं समय में उनको मिला है। हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार को क्वालिटी ऑफ लाइफ वो स्वाभाविक उसकी अपेक्षा रहती है, वो देश के लिए बहुत देता है, तो देश का भी दायित्व है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो उसकी अपेक्षाएं हैं, सरकार की कठिनाइयों से मुक्ति की उसकी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं, और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक इकाई यह भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखलें कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव न हो, और जहां सरकार की बेकारण प्रभाव भी न हो, इस प्रकार की व्यवस्था पर हम प्रतिबद्धित हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरूरत छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान देते हैं, हम छोटी छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं, चाहे हमारे गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब की मां को कभी आंसू पी करके सोना ना पड़े, और इसके लिए मुफ्त इलाज की योजना हमारी चल रही है, बिजली पानी गैस अब सैचुरेशन के मूल पर है, और जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं 100% होता है, जब सैचुरेशन होता है तो उसको जातिवाद का रंग नहीं लगता है, जब सैचुरेशन होता है तो उसमें पांथिकता का रंग नहीं लगता है, जब सैचुरेशन का मंत्र होता है तब सच्चे अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार होता है, लोगों के जीवन में सरकार की दखल कम हो, इस दिशा में हमने हजारों कंप्लायंसेज के लिए सरकार सामान्य माननीय पर बोझ डालती थी, उन सारे कंप्लायंसेज को दूर किया, हमने देशवासियों के लिए 1,500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के अंदर देशवासियों को फंसना न पड़े, हमने छोटी छोटी गलतियों के कारण ऐसे कानून बने थे उनको जेल में अंदर धकेल दिया जाए, हमने उन छोटे छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराएं थी उन सारे कानूनों को नष्ट कर दिया, और उसको कानूनों को जेल भेजने के प्रावधान को व्यवस्था से बाहर कर दिया है। आज हमने जो आजादी के विरासत के गर्व की बात हम जो करते हैं, सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे आज हमने उसको नए क्रिमिनल लॉ जिसको हमने न्याय संहिता के रूप में और जिसके मूल में दंड है पर नागरिक को न्याय इस भाव को हमने प्रबल बनाया है, ईज ऑफ लिविंग बनाने के देशव्यापी मिशन में काम करे, हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं, मैं जनप्रतिनिधि वो किसी भी दल के क्यों न हो किसी भी राज्य के क्यों न हो सबसे आग्रह करता हूं
कि हमने एक मिशन मोड में ईज ऑफ लिविंग के लिए कदम उठाने चाहिए। मैं हमारे युवाओं को, प्रोफेशनल्स को, सबको मैं कहना चाहता हूं, आप अपने स्थान स्थान पर जहां पर आपको छोटी छोटी दिक्कतें होती है, आप उसके सॉल्यूशन को लेकर के सरकार को चिट्ठी लिखते रहिए। सरकार को बताइए कि बिना कारण की कठिनाई है उसको दूर करने से कोई नुकसान नहीं है। मैं पक्का मानता हूं आज सरकार संवेदनशील है। हर सरकार, स्थानीय स्वराज की संस्था होगी या राज्य सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी, उसको तवज्जो देगी। गवर्नेंस में रिफॉर्म्स, ये हमें विकसित भारत 2047 के सपने के लिए हमने उसको जोर लगा करके आगे बढ़ाना होगा, ताकि सामान्य मानवीय के जीवन में अवकाश ही अवकाश पैदा हो, रुकावटें खत्म ही खत्म होती चली जाए, नागरिकों का डिग्निटी ऑफ सिटीजन, नागरिकों के जीवन में सम्मान मिले। डिलीवरी के संबंध में कभी किसी को ये कहने की मोहब्बत ना आया कि ये तो मेरा हक था, मुझे मिला नहीं, उसको खोजना ना पड़े। सरकार के गवर्नेंस में डिलीवरी सिस्टम को और मजबूती चाहिए। आप देखिए देश में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, आज देश में करीब करीब 3 लाख संस्थाएं काम कर रही है, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, केंद्र, छोटी मोटी 3 लाख करीब करीब इकाइयां हैं। अगर ये हमारे 3 लाख इकाइयों का मैं आज आह्वान करता हूं कि अगर आप साल में अपने स्तर पर जिन चीजों की जरूरत है सामान्य मानने के लिए, 2 रिफॉर्म करें। ज्यादा नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों, एक पंचायत हो, एक राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो, सिर्फ 1 साल में 2 रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारे। आप देखिए, हम देखते ही देखते 1 साल में करीब करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं। जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान्य मानवीय का विश्वास कितना बढ़ जाएगा, उसकी शक्ति राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी। और इसलिए हम अपने स्तर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलावों के लिए आगे आए, हिम्मत के साथ आगे आए। और सामान्य मानवीय की जरूरत तो छोटी छोटी जरूरत होती है, पंचायत लेवल पर भी मुसीबतें झेल रहा है, उन मुसीबतों से मुक्ति दिलाए तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हमारे देश का नौजवान नई सिद्धियों को चूमना चाहता है, नए नए शिखरों पर वो कदम रखना चाहता है, और इसलिए हमारी कोशिश है हर सेक्टर में कार्य को हम गति दें, तेज गति दें, और उसके द्वारा पहले हम हर सेक्टर में नए अवसर पैदा करें। दूसरा, ये बदलती हुई व्यवस्थाओं के लिए जो सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बदलाव के मजबूती देने की दिशा में काम करें। और तीसरी बात है, नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के विषय में हम प्राथमिकता दें, उसको बल दें। इन तीनों, भारत में एक एस्पिरेशनल सोसाइटी का निर्माण किया है और उसके परिणाम स्वरूप आज समाज खुद एक विश्वास से भरा हुआ है। हमारे देशवासियों की आकांक्षा, उनके एस्पिरेशंस, हमारे नौजवानों की ऊर्जा, हमारे देश के सामर्थ्य के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ने की एक लड़क लेकर के चल रहे हैं। मुझे विश्वास है रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के अवसर पर हम काम किया है। प्रति व्यक्ति आज आय दोगुनी करने में हम सफल हुए हैं। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान बढ़ा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है, पहले से 2 गुना पहुंचा है। ग्लोबल संस्थानों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। मुझे विश्वास है भारत की दिशा सही है,
भारत की गति तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ्य है, लेकिन इन सबके साथ संवेदनशीलता का हमारा मार्ग हमारे लिए ऊर्जा में एक नई चेतना भरता है। ममभाव हमारे कार्य की शैली है। समभाव भी चाहिए, ममभाव भी चाहिए, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, मैं जब कोरोना काल को याद करता हूं, कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच सबसे तेजी से इकोनॉमी को बेहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भारत है, तब लगता है कि हमारी दिशा सही है। जब जात पात मत पंथ ऊपर उठकर हर व्यक्ति तिरंगा फहराया जाता है, तब लगता है देश की दिशा सही है। आज पूरा देश तिरंगा है, हर घर तिरंगा है, न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, सभी भारतीय है। यही तो हमारी दिशा की ताकत है। जब हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं, तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गति को बराबर मेंटेन किया है और सपनों को साकार करना दूर नहीं है। जब 100 से अधिक आकांक्षी जिले अपने अपने राज्य के अच्छे जिलों की स्पर्धा कर रहे हैं, बराबरी करने लगे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गति दोनों सामर्थ्यवान है। जब हमारे उन आदिवासी साथियों को वो मदद मिलती है, पीएम जलमल के द्वारा उनको जो योजनाएं पहुंची थी, आबादी बहुत छोटी है लेकिन बहुत बहुत सुदूर इलाकों में छुटपुट परिवार रहते हैं, हमने उनको खोज के निकाला है, उनके लिए चिंता की है, तब लगता है कि संवेदनशीलता से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है। वर्किंग वुमेन के लिए पेड मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर देते हैं, तब फिर नारी का सम्मान ही करते इतना नहीं है, नारी के प्रति संवेदनशील भाव के निर्णय करते इतना नहीं, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है ना, उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए मां की जो जरूरत है उसमें सरकार, भारतीय साइन लैंग्वेज की बात हो या तो सुगम्य भारत का अभियान हो, उसको लगता है कि हम मेरी भी डिग्निटी है, मेरे प्रति सम्मान, देश के नागरिक सम्मान के भाव से देखता है। और अब पैरालंपिक में तो हमारे खिलाड़ी नई नई ताकत दिखाने लगे हैं, तब लगता है कि ये जो मेरा मम भाव है, हम सबका मम भाव है, उसकी ताकत नजर आती है। हमारे ट्रांसजेंडर समाज के प्रति हम जिस संवेदना के साथ निर्णय बना रहे हैं, हम नए कानून बना रहे हैं, उनको सम्मान का जीवन देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तब बदलाव की हमारी दिशा सही दिखता है। सेवा भाव से किए गए इन कामों का, जो त्रिवेणी मार्गों से हम चले हुए हैं, इन कामों का एक सीधा सीधा लाभ आज उसके परिणाम के रूप में हमें नजर आ रहा है। 60 साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मौका दिया है। मेरे 140 करोड़ देशवासी, आपने जो आशीर्वाद दिए हैं उस आशीर्वाद में मेरे लिए एक ही संदेश है, जन जन की सेवा, हर परिवार की सेवा, हर क्षेत्र की सेवा, और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ लेकर के विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचना, 2047 विकसित भारत के सपने को लेकर के चलना, उसी एक संदेश को लेकर मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं कोटि कोटि देशवासियों का सर झुका करके आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमें नई ऊंचाइयों को नए जोश के साथ आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ जो हो गया है वो संतोष मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं है।
वो हमारे संस्कार में नहीं है। हम कुछ और करने के लिए, कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। विकास को, समृद्धि को, सपनों को साकार करने को, संकल्प को लिए जीवन खपाने को हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं, देशवासियों का स्वभाव बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज नई शिक्षा नीति बहुत मात्रा में कई राज्यों ने उसको अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और उसके कारण आज एक 21वीं सदी के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो हम बल देना चाहते हैं और विकसित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मानव समूह तैयार करना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। मध्यम वर्ग के परिवार के लाखों करोड़ों रुपया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्च हो जाए। हम यहां ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना ना पड़े, मेरे मध्यम वर्ग के परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना ना पड़े। इतना ही नहीं, ऐसे संस्थान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर मुंह मोड़े। अभी अभी हमने बिहार का, हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है, फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी संस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए, भाषा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा का सामर्थ्य हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मां के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है और इसलिए हमने हमारी मातृभाषा में पढ़ाई, जीवन में मातृभाषा का स्थान, परिवार में मातृभाषा का स्थान, उसकी ओर हमें बल देना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जिस प्रकार से आज विश्व का बदलाव नजर आ रहा है और तब जाकर के स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है और हम स्किल को और नई एक ताकत देना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रख करके हम स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपेसिटी बिल्डिंग करके रखने के लिए स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम तो हमारा सफाई का क्षेत्र हो उसमें भी एक नए स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना चाहते हैं और हम स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं। बजट में भी इसका बहुत बड़ा, इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं और जो कई बार, और दोस्तों आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी धमक बनाए हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। साथियों, विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ता चला जाने वाला, हमें साइंस को बहुत बढ़ देना की आवश्यकता है। और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि का वातावरण बना है,
नई दिलचस्पी बढ़ी है, तब हमारे शिक्षा संस्थानों ने ये जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा। भारत सरकार ने भी रिसर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है, हमने ज्यादा से ज्यादा चेयर स्थापित किए हैं, हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेश में ला करके स्थायी रूप से व्यवस्था विकसित की है ताकि रिसर्च को लेकर के निरंतर बल मिले और ये रिसर्च फाउंडेशन उस काम को करे। मेरे बड़े गर्व की बात है कि बजट में हमने 1,00,000 करोड़ रुपया रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमने देने का निर्णय किया है ताकि हमारे देश के नौजवान के पास जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उतार पाएं। साथियों, आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। वैसा कहा मैंने, मैंने बहुत ज्यादा था मध्यम वर्ग के परिवार के, उनके 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1,00,000 कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी जब मैं सोच सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान देकर के हमने पोषण का एक अभियान चलाया है, हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है, पोषण को हमने प्राथमिकता दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है, समय की मांग है। हम सदियों से जिस परंपरागतता में दबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उसे मुक्ति पानी होगी और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे हैं। हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में लगातार काम करते आए हैं। आज आसान ऋण दे रहे हैं किसानों को, टेक्नोलॉजी की मदद दे रहे हैं, किसान जो पैदावार करता है उसको वैल्यूएशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग के लिए पूरा प्रबंध करते हैं ताकि उसको एंड टू एंड हर जगह पे हैंड होल्डिंग की व्यवस्था हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज जब धरती माता के प्रति सारा विश्व चिंतित है, जिस प्रकार से उर्वरक के कारण हमारी धरती माता की शहद दिनों दिन बिगड़ता जा रही है, हमारी धरती माता की उत्पादकता क्षमता खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, और उस समय मैं मेरे देश के लाखों किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। और इस बार बजट में भी हमने प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजट में प्रावधान किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की स्थिति में देखता हूं पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ रहा है और तब उनको ऑर्गेनिक फूड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है। आज विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है, मेरा देश बन सकता है। और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं ताकि ऑर्गेनिक फूड की जो विश्व की मांग है उस ऑर्गेनिक फूड का बास्केट हमारा देश कैसे बने, किसानों का जीवन आसान बने, गांव में टॉप क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो,
किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो, छोटी छोटे खेती के टुकड़ों पर पूरा परिवार आज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तब उनके नौजवानों के लिए वो स्कील मिले ताकि उनके नए रोजगार मिले, नए आय के साधन बने, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास हम कर रहे हैं। बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है, इनोवेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है ऐसा नहीं, महिलाएं नेतृत्व दे रही है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध